अलैकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ पर जारी है और आज हम फाइनल टर्म के जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फाइनल टर्म जो है वो 23 से लेकर 45 तक है और हमारी ये पहली वीडियो है फाइनल टर्म के ऊपर, तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और लेक्चर नंबर 23 से हम शुरू इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने इसमें मुकम्मल तौर पर आपके लिए जो है वो आसानी करने की कोशिश की है। चलें जी, चैप्टर नंबर 23 की तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले आता है व्हाट इज़ इफेक्टिव सेंटेंस। हमारे पास इफेक्टिव सेंटेंस है क्या? अच्छा, इफेक्टिव सेंटेंस जो असर रखने वाला सेंटेंस होता है, ठीक है जी, जिसका कोई ना कोई दबाव होता है, जो हम वाकई में इफेक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है जी, उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। जो जितना इफेक्टिव सेंटेंस है, अगर उसमें इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं हम, उसमें असर लाना चाहते हैं, वाकई कहना चाहते हैं कि वाकई कोई सेंटेंस है, तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिटी, फिर हमारे पास कोहेरेंस, फिर हमारे पास इम्फासिस, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिटी आखिर है क्या। यूनिटी के बारे में देखते हैं। कहते हैं गुड सेंटेंस हैज़ यूनिटी। एक हमारे पास जो गुड सेंटेंस होता है वो यूनिटी रखता है। इट मस्ट एक्सप्रेस वन, ये जो होता है ये एक ही, इट मस्ट एक्सप्रेस वन, इसे एक ही एक वन में ही एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी एक ही शक्ल में एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है, एक ही शक्ल में जाहिर होना चाहिए। मेन आइडिया यूनिटी इज वायलेटेड हाउ मच वे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो मेन आइडिया होता है यूनिटी का, अब वो किन वेज में वायलेटेड होता है, किन वेज में ख़राब होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पांच यूनिटीज़ के वो पांच हमारे पास वेज हैं जिनसे हमारे पास जो सेंटेंस की यूनिटी है वो ख़राब होती है, यहाँ उसमें ख़राबी आती है। तो यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चंस बने। सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि हमारे पास यूनिटी क्या है और कौन सी पांच चीज़ें हैं जो यूनिटी को ख़राब करती हैं, ठीक है जी। तो यूनिटी को ख़राब करने वाली पाँच चीज़ें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। By combining unrelated ideas, अगर हम किसी सेंटेंस में unrelated ideas, यानी उस मेन आइडिया के मुताबिक वो आइडियाज़ नहीं होते, कहीं बाहर से आते हैं, जैसे मैं स्कूल पर लिख रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल दरमियान में डाल दूँ तो वो unrelated idea हो जाएगा। तो इस ये जब हम करेंगे यूनिटी बनाएंगे तो हमारे पास से इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर कहता है putting too much idea, अगर हम एक मेन आइडिया के ऊपर और बहुत ज़्यादा आइडिया लगा देते हैं और बहुत ही एक्साइटेशन होती है आइडियाज़ की, तो वो भी इफेक्टिवनेस को ख़राब करते हैं। फिर कहता है फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया, किसी भी आइडिया को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसे मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाते, तो आइडिया मुकम्मल तौर पर बयान करने में फ़ेल हो जाते हैं, तो इससे भी हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें इफेक्टिवनेस में कमी आती है। फिर हमारे पास ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी अगर हमारे पास ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ख़राब कैसे हो सकती है, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम यकदम प्रेजेंट में आ जाएं, या अचानक ही हम क्या करें कि फ्यूचर की बात करना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास जो ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन उनकी अच्छे से नहीं होती, तो उससे भी काम ख़राब होता है। फिर सब ऑर्डिनेशन का मतलब है कि हम डिपेंडेंट क्लाजेज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, डिपेंडेंट क्लाजेज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फालतू में इस्तेमाल करते हैं। फिर पैरालेलिज्म, यानी पैरालेलिज्म में क्या होता है कि हम एक ही बात किए जाते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं, तो वो पैरालेलिज्म कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें कहता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट या फिर जिसे हम मेन क्लास कहते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट या फिर हम उसे सब ऑर्डिनेट क्लासेस कहते हैं वो क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास वो होते हैं जो एक मुकम्मल सोच को बयान करते हैं, ठीक है जी, यानी अगर कहूँ कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, मतलब ये जा रहा है, ये मुकम्मल एक सोच है, ठीक है जी।
तो कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं जो मुकम्मल तौर पर थॉट बयान नहीं करते, जिनसे पहले सिंस लगता है, इस तरह के जो है वर्ड्स लगते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके भी इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लासेस के अलावा बाकी जितने भी क्लास हैं वो क्या हैं, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ कोहेरेंस। अब कोहेरेंस के बारे में बात करते हैं, कोहेरेंस हमारे पास है क्या। कहता है कि दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेंटेंस व्हेन द वेरियस पार्ट्स फॉलोज वन। हमारे पास जो कोहेरेंस है, ये इफेक्टिव सेंटेंस बनाने में बहुत अहम किरदार करती है, कि जब वेरियस पार्ट, बहुत सारे हिस्से होते हैं उस सेंटेंस के, फॉलो वन, एक ही मेन आइडिया को फॉलो करते हैं, अनदर इन एन ऑर्डर, एक दूसरा ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप क्लियर। एक दूसरा ऑर्डर जो इनके रिलेशनशिप को क्लियर करता है, मतलब कि हमने एक टॉपिक पर लिखना है और बहुत सारे हम पार्ट्स लेते हैं सेंटेंसेस को और उनको मिलाते हैं, और उनके दरमियान हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है, कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो इनके रिलेशनशिप, इनमें रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, उसे कोहेरेंस का नाम देते हैं। कहता है, अब कोहेरेंस को ख़राब करने वाली चीज़ें कौन से सेंटेंस हैं या चीज़ें कौन सी हैं। कहता है, रेफरेंस और प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो रेफरेंस देना है, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्शंस, हम कॉन्ट्रैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं, बैड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं सेंटेंस की वो बैड होती है, मिक्सचर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, जो स्पीच की फिगर्स होती हैं उनको मिक्सअप कर देते हैं, उन्हें मिक्सिंग कर देते हैं। फिर कहते हैं शिफ्टिंग एमलेस, यानी हम जो है किसी भी सेंटेंस को शिफ्ट कर देते हैं एमलेस, एमलेस यानी जिसका कोई मकसद नहीं होता। अगर एक हमारे पास सेंटेंस जा रहा है और किसी मकसद की तरफ जा रहा है, अगर मंजिल की तरफ जा रहा है, तो हम उस सेंटेंस में, उस पैराग्राफ में अजाफा करने के लिए कुछ दूसरी तरह के आइडियाज़ मिला देते हैं, तो वो एमलेस हो जाता है, यानी अपनी मंजिल से हट जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज़ इम्फसिस। हमारे पास इम्फसिस क्या है। इम्फसिस हम रेपुटेशन को कहते हैं, रेपुटेशन को कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स को कहते हैं, पोजीशन को कहते हैं, कि इम्फसिस क्या है, कि हमने कोई भी वर्ड यूज़ करना है तो उसका हमने हमने रेपुटेशन देखनी है, उसकी हमने पोजीशन देखनी है, कि वो वर्ड यूज़ कहाँ करना है या वो सेंटेंस यूज़ कहाँ करना है, तो इसे हम इम्फसिस का नाम देते हैं। अब जी हम लेक्चर नंबर या चैप्टर नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर 23 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हमने 24 लिखना था, ठीक है। अब हम एरर्स के बारे में बात करते हैं, कि हमारे पास जितने भी एरर्स आते हैं, हमने पीछे देखा यूनिटी में भी एरर आता है, कोहेरेंस में भी एरर आता है, और भी दूसरी जो तीसरा तरीका था, इम्फोसिस वगैरह, इन सब चीज़ों में एरर आ जाता है। तो अब हम उन एरर्स को क्या करें, मतलब भी हम उन एरर से छुटकारा कैसे पाएं, उन एरर से अवॉइड कैसे करें, तो उसके भी तीन तरीके हैं। कहता है, हैविंग कंसीडर डैट द जनरल एलिमेंट्स विच मेक फॉर इफेक्टिवनेस इन सेंटेंस, वी विल नाउ टेक अप फोर कॉमन एरर्स इन सेंटेंस। दीज एरर्स आर सेंटेंस फ्रैगमेंट, हम सेंटेंस में फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं, रन ऑन सेंटेंस, सेंटेंस जो है ना किसी तरफ भी ले जाते हैं, फ्यू सेंटेंस, सेंटेंसेस को मिला देते हैं, कोमा सप्लाइसेस, कोमे का यूज़ करते हैं, मिसप्लेस एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, हम जो है ऐसे ऐसे मॉडिफायर्स लगाते हैं जो मिसप्लेस्ड होते हैं, जो उस जगह पर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं जी, कहता है, व्हाट आर सेंटेंस फ्रैगमेंट। हमारे पास सेंटेंस फ्रैगमेंट्स क्या हैं। वी सेड दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का, यानी बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं। डैड मस्ट कंटेन आ सब्जेक्ट, हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी होना चाहिए। इट मस्ट एक्सप्रेस वन कंप्लीट थाट, तो ही ये जो है हमारे पास एक कंप्लीट थाट को बयान करता है, ठीक है जी। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए और हमारे पास वर्ब होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस की मुकम्मल सोच को बयान करते हैं, जिसे हम फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा जी,
कहते हैं हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेंटेंस फ्रैगमेंट, सेंटेंस फ्रैगमेंट में हमारे पास कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो फोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व, हमारे पास चार स्टेप्स हैं फ्रैगमेंट सेंटेंस में जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है डिपेंड वर्ड्स फ्रैगमेंट, हमारे पास जो डिपेंडेड वर्ड होते हैं फ्रैगमेंट्स में, फिर आई एन जी एंड टू फ्रैगमेंट, हमारे पास इंग की फॉर्म लगती है या टू की फॉर्म लगती है, फिर एडिड डिटेल फ्रैगमेंट, कुछ ऐसे भी हमारे पास फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनमें डिटेल को ऐड करना पड़ता है, फिर मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट, ऐसे फ्रैगमेंट्स जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मिस हो जाता है तो उसे हम मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डिपेंडेड वर्ड फ्रैगमेंट, हमारे पास डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट्स क्या हैं। कहते हैं सम फ्रैगमेंट्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ड बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। फ्रैगमेंट कहता है कि कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, वो किसी भी कंप्लीट थॉट को शो नहीं कर पाते, जैसा कि सिंस अम्मी वाज टायर्ड, जैसा कि सिंस अम्मी वाज टायर्ड, के जो माँ थी वो क्या हो गई, आप कह सकते हैं टायर्ड हो गई, तंग आ गई, किससे तंग आ गई इस चीज़ का नहीं पता, जब अम्मी तंग आ गई, जब अम्मी तंग आ गई, अम्मी कब तंग आई, क्यों आई, इसके बारे में नहीं पता, तो ये मुकम्मल सेंस नहीं बनती। व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ लाइट, जब पोस्टमैन आया मैंने क्या की, लाइट स्विच ऑफ कर दी। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि व्हेन द पोस्टमैन अराइव, जब पोस्टमैन आया, ठीक है, जब पोस्टमैन आया, जब वो ख़त देने वाला आया, तो ये हमारे पास पहला क्या होता, वो हमारे पास होता फ्रैगमेंट सेंटेंस। नेक्स्ट हम आई एन जी और टू के फ्रैगमेंट्स देखते हैं। व्हेन अ वर्ड एंडिंग इन आई एन जी अपेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फ्रैगमेंट मे रिजल्ट। कहता है कि हमारे पास ऐसा वर्ड जिसके एंड पर आई एन जी लग जाता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के फ्रंट पर आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, तो हो सकता है उसमें फ्रैगमेंट्स आ जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एडिड डिटेल फ्रैगमेंट, हमारे पास जो फ्रैगमेंट है उसमें एडिड डिटेल क्या होती है। कहता है अनदर कॉमन काइंड ऑफ फ्रैगमेंट बिगेंस, हमारे पास एक दूसरी जो फ्रैगमेंट की कॉमन काइंड है या मिसाल है वो क्या है, विद वन ऑफ द वर्ड लाइक, जो ऐसे वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। अच्छा, कैसे वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं, इंक्लूडिंग सच एज, इंस्टेंस, एक्सेप्ट, विदाउट, स्पेशली एंड आल्सो। जब भी आल्सो, इंस्टेंस, विदाउट, स्पेशली और इस तरह के एक्सेप्ट के जैसे वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हमें उसमें कोई ना कोई डिटेल ऐड करना होती है। ठीक है जी, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मुकम्मल चैप्टर्स का, आपने अच्छी तरह से हैंडआउट्स पढ़ना है इंशाल्लाह, उम्मीद है इसके बाद तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं साथ साथ मिसालें भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने लाजमी, और ये भी आपसे अपील है कि लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करना। कहता है व्हाट इज़ मिसिंग सब्जेक्ट, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट, हमारे पास जिसमें से सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है उसे मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट 25 पर चलते हैं, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 25 है उसमें देखते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ रन ऑन द सेंटेंस, हमारे पास रन ऑन द सेंटेंस पर कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द रन ऑन सेंटेंस, हमारे पास रन ऑन सेंटेंस पर दो काइंड्स हैं, कौन सी, फ्यूज एंड कोमा सेंटेंस, हमारे पास फ्यूज और कोमा सेंटेंस जो हैं वो रन ऑन द सेंटेंस की टाइप है। सबसे पहले फ्यूज सेंटेंस के बारे में देखते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो है वो सेंटेंस एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनमें कोई भी पंक्चुएशन का मार्क नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं, फ्यूज सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं लगा कि ये जो सेंटेंस दो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, किधर से आए, इनका मतलब क्या है, क्योंकि उनमें कोई भी पंक्चुएशन का साइन नहीं होता। अब देखते हैं जी व्हाट इज रिकॉग्नाइज फ्यूज एंड कोमा स्लाइस, तो आ कोमा स्लाइस कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग वन ऑफ द सम सेम थ्री मेथड सजेस्टेड फॉर करेक्टिंग अ फ्यू सेंटेंस, सेंटेंस को फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए डिवाइड द कोमा स्लाइसेस इनटू सेंटेंसेस, हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं उनके दरमियान जो है
अब वो कोमा सप्लाइसिस को डिवाइड कर दे, वहाँ वहाँ देखें जहाँ पर हमने रुक के बोलना होता है या फिर सेंटेंस में थोड़ा सा वक्फा होना होता है वहाँ पर कोमा सप्लाई से लगा दें। फिर कहता है कनेक्ट टू कंप्लीट थाट्स बाय प्लेसिंग अ जॉइनिंग वर्ड, हमारे पास दो कंप्लीट थाट्स यानी दो इंडिपेंडेंट जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं उनको मिलाना है ऐसे जो वर्ड्स यूज़ करते हुए, सच एज बट एंड और सो आफ्टर द कोमा, कोमे के बाद। कहता है यूज़ सबऑर्डिनेट्स, हमारे पास जो सबऑर्डिनेट्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ऐड डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं या डिपेंडेंट हमारे पास वर्ड हैं टू वन ऑफ दी कंप्लीट थाट्स। अगर हमारे पास कुछ डिपेंडेंट क्लॉज हैं उन्हें भी हम मिला सकते हैं एक मुकम्मल थाट, एक थाट को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं, कहता है व्हाट इज़ डैंगलिंग मॉडिफायर और सिंगल वर्ड मॉडिफायर, हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है और सिंगल वर्ड मॉडिफायर क्या है। कहता है पे अटेंशन टू सिंगल वर्ड मॉडिफायर सच एज ओनली, ऑलमोस्ट एंड नियरली फॉर मीनिंग देयर टू बी करेक्ट अंडरस्टूड दे शुड बी प्लेस डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द वर्ड दे डिस्क्राइब। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर हम अटेंशन देना चाहते हैं एक सिंगल वर्ड पर, ठीक है, सिंगल वर्ड मॉडिफायर पर, तो हम क्या कहते हैं वो किसी भी वर्ड के आगे लगा देते हैं ताकि हम उस वर्ड की अटेंशन को समझ सकें, या फिर हम कहते हैं कि एक ही वर्ड को हमने हाईलाइट करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं सिंगल वर्ड मॉडिफायर यूज़ करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। कहता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री मैच इन नंबर इन अदर वर्ड्स एज सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक प्लुरल वर्ब। कहता है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है जिसमें हमारे पास अगर सिंगल सिंगल वर्ब है, सिंगल सब्जेक्ट है तो वो सिंगल ही वर्ब लेगा, और अगर प्लुरल वर्ब है तो वो प्लुरल ही वर्ब लेगा, यानी हम यूज़ करते हैं अगर ही तो इसके लिए हमारे पास जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगल होना चाहिए। अगर मतलब भी अगर हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो हमारे पास उसका जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगल होना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई प्लुरल सब्जेक्ट है जैसे दे वी, इनके लिए हमारे पास जो वर्ब होना चाहिए वो भी आप कह सकते हैं प्लुरल होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब सेपरेटेड बाय दी प्रोपोर्शनल फ्रेज, हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब होता है सेपरेट किया जाता है प्रोपोर्शनल फ्रेज से, वो कैसे। दी प्रेजेंट टेंस, हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब विल नाउ लुक एट दी सिचुएशन, हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होता है वो जो अब की सिचुएशन है अभी हो रही है उस पर होता है। विच कैन पोज, जो पोज दिया जाता है प्रॉब्लम्स इन सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फिर सिंपल सेंटेंस होता है, अगर हमारे पास वहाँ पर जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पर वर्ब जो है वो प्लुरल होगा, जैसे ही गोज़, यहाँ पर अब वर्ब जो है वो हमारे पास क्या आया प्लुरल आया, लेकिन ही क्या था सिंगल था। कहता है कि हमारे पास जब हम प्रेजेंट की तरफ देखते हैं तो उस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कहता है इन मैनी सेंटेंसेस, बहुत से सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज़ क्लोज टू वर्ब, हमारे पास जो वर्ब है वो क्लोज सब्जेक्ट है वो क्लोज होता है वर्ब के, विदाउट दी सब्जेक्ट कमिंग फर्स्ट दी फर्स्ट टाइप ऑफ दी प्रॉब्लम सिचुएशन कोर्सेज। कहता है कि इसके सिवा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम के सिवा सब जो सेंटेंसेस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। फिर कहता है दी सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अकर्स साइड बाय साइड, हमारे पास जो सब्जेक्ट और वर्ब्स होते हैं वो आते नहीं साइड बाय साइड, बिल्कुल भी नहीं आते। नेक्स्ट देखते हैं जी, कहता है व्हाट इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट, हमारे पास जो इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट है वो कहता है दी थर्ड सिचुएशन डैट कैन पोज प्रॉब्लम, हमारे पास जो तीसरी सिचुएशन जो प्रॉब्लम को पोज कर सकती है इन सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो क्या है, इज़ वैन देयर इज़ एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, जब हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, सब्जेक्ट इंडेफिनेट इन प्रोनाउन दे डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, हमारे पास जो इंडेफिनेट प्रोनाउन्स होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक वर्ब को या पर्सन को शो नहीं करते, ईच एनी वन इधर एवरी वन,
जैसा कि हमारे पास ईच आ जाता है, एनी वन आ जाता है, इधर आ जाता है, इधर एवरी वन आ जाता है, नीदर आ जाता है, नो वन आ जाता है, एनी वन, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंडेफिनेट, हमारे पास इंडेफिनेट हैं प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है जी, नथिंग वगैरह ये सारे। तो ये भी जब आते हैं किसी सेंटेंस के शुरू में तो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम शो होती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस क्या कहता है, द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिचुएशन, हमारे पास जो लास्ट टाइप होती है जिसमें खराबी आती है, विच कैन पोज प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बना सकती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस। अब लास्ट हमारे मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, और कहता है व्हाट इज प्रोनाउन एग्रीमेंट। हमारे पास प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है, द एग्रीमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, वो एग्रीमेंट जो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशनशिप शो करता है, एंड देयर वर्ब्स और उनके वर्ब्स में, एंड बिटवीन नाउन्स और नाउन्स में, एंड देयर कॉरिस्पोंडिंग प्रोनाउन्स और उनके जो साथ वाले प्रोनाउन्स हैं उनमें रिलेशन शो करता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है व्हाट इज प्रोनाउन रेफरेंस। हमारे पास प्रोनाउन रेफरेंस क्या है, प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर्स विद इन अटेंसीडेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा कि हमारे पास एक प्रोनाउन होता है रेफर करता है क्लियरली वर्ड को, जो स्टैंड करता है नाउन के लिए और इसके प्रोनाउन के लिए। इट इज़ अनसर्टेन सेंटेंस विल बी कन्फ्यूजिंग, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो कन्फ्यूज हो। फिर हमारे पास रेफरेंस क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स प्रोनाउन, हमारे पास जो नाउन होता है और इसके प्रोनाउन होता है, इसके रिलेटेड जितने भी पर्सन जेंडर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रेफरेंस कहलाते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।